देखा जाए तो ये हमारी पारंपरिक खाना बनाने का एक तरीका है जो कि आजकल काफ़ी पसंद किया जा रहा है। डिश क्या है और इसे बनाना कैसे है, सारे टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ फूड हेल्थ एंड ब्यूटी में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं मटन, ये करीब 1 किलो मटन है। इसको मैंने आधा चम्मच हल्दी डाल के इसको मिक्स कर लिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड किए हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे मैंने लाल मिर्च ऐड किए हैं और 1 चम्मच भर के इसमें ऐड कर देंगे मीट मसाला पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को मैंने स्लाइस करके डाले हैं, ये 4 बड़े प्याज हैं। प्याज डालने से मटन अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो प्याज डालने के बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे रिफाइंड ऑयल, हल्का सा गर्म करके डालेंगे। यहाँ पे हमने रिफाइंड ऑयल क्यों ऐड किया है, क्यों हमने सरसों की तेल नहीं ली है, इस चीज़ को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो इसे हाथ से मसल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम इसे मैरिनेट करेंगे करीब 1/2 घंटे से 1 घंटे तक आप इसको मैरिनेट करके रखें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। नमक आप मटन की क्वांटिटी के हिसाब से डालें। यहाँ पे मैंने थोड़ा कम ही नमक डाला है, आप बाद में भी नमक डाल सकते हैं, पहले से थोड़ा कम डाल के रखिए। तो मटन में नमक डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और 1/2 घंटे के बाद यहाँ पे हमने गैस पे चढ़ा दिया है एक मिट्टी की हांडी। इसमें हमने लिए हैं रिफाइंड ऑयल 4 बड़े चम्मच। इसको हल्का सा गर्म करेंगे। पहले आप रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लें और उसमें से 1 चम्मच मटन में मिक्स कर लें। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे खड़े गर्म मसाले, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाले हैं तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, काली मिर्च और चक्रीफूल। इन सारी चीज़ों को हल्का सा चटकने देंगे, इसमें से फ्लेवर आ जाए तेल में। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड की हुई मटन। प्याज के साथ ही डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे प्याज फ्राई नहीं किया है, प्याज हमने ऑलरेडी मटन में ऐड कर दिया था। तो हम सारे के सारे जो मैरिनेटेड मटन है वो डाल देंगे इसमें। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप इस तरह की मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए तो उसे आपको पहले तैयार करना होगा। मिट्टी के बर्तन को आप जब भी खरीद के लाएं उसको एक पानी के बॉकेट में रात भर डुबा के रख दें और अगले दिन उसको निकाल के उसमें अच्छे से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ तेल मसाज करके छोड़ दें, तो आपकी जो मिट्टी के बर्तन है वो कुकिंग के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने मटन को अच्छे से मिक्स कर लिया है तेल के साथ। उसके बाद हम इसको ढक्कन लगा के बिल्कुल धीमे आंच में कुक करेंगे ताकि जो मटन है वो हमारा अंदर ही अंदर पकता रहे, क्योंकि मटन को कुक होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप हमेशा इसको ढक के पकाइए। इस तरह की मिट्टी के बर्तन इजीली ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप चाहे तो वहां से परचेस कर सकते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं मेरा मटन अच्छे से कुक होने लगा है, तेल छोड़ने लगा है। हमें मसाले को इतना भुनना है कि उसमें से तेल निकलने लगे। उसके बाद इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार इसको चढ़ा के हमने छोड़ देना है, नहीं, आपको हर 2 से 3 मिनट के अंदर इसको ढक्कन हटा के चलाते रहना है। करीब 1/2 घंटे से 45 मिनट का वक्त लगा है इसको प्रॉपर कुक होने में। धीमे आंच में इसको बिठा के बीच बीच में 2 से 3 मिनट के अंदर इसको चलाते रहिए। यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच ऐड कर दी है गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला डालने के बाद इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो हमने कच्चा प्याज डाला था उसने भी अपना पानी छोड़ा है और मटन भी खुद अपना पानी छोड़ता है और उसी में ही जो मटन है वो कुक हो जाता है। ऊपर से मैंने कोई पानी ऐड नहीं की है, लेकिन अगर आपको लगे कि पानी चाहिए तो थोड़ा सा पानी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कुक करने के लिए। अब हमारी मटन बनके तैयार है, इसको ढक्कन लगा के हम साइड में कर देंगे। अब हम गैस पे चढ़ा देंगे एक पतीला, उसमें मैंने पानी लिए हैं। अब पानी हमारा बॉयल होने लगे उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे नमक। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। अब इसमें ऐड कर देंगे खड़े गरम मसाले, जैसे कि यहाँ पे मैंने डाले हैं हरी इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता और काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को हम ढक्कन लगा के बॉयल होने देंगे ताकि जो गरम मसालों की फ्लेवर है वो हमारी पानी में अच्छे से आ जाए।
अब हम ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं, पानी हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है। इस वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे सोक की हुई बासमती राइस, जिसको हमने आधा घंटा पहले अच्छे से धो के भिगो के रखा था। जी हाँ, यहाँ पे हम बना रहे हैं मटन हांडी बिरयानी। तो चलिए इस रेसिपी को इंजॉय कीजिए, घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनती है, एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसीलिए हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल की बजाय रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हमने 2 कप चावल को सोक करके रखा था। चावल को आपको पूरी तरह से कुक नहीं करना है, उसको 80% तक कुक कीजिए और इसे छान के रख दीजिए। अब हम यहाँ पे लेयरिंग करेंगे बिरयानी की। पहले हमें मटन की जो हांडी है वो चढ़ा देनी है गैस पे, गैस की फ्लेम को धीमा रखें। और जो चावल हमने छान के रखा था, चावल को देख के आपको पता लग रहा होगा चावल अभी भी पकने में थोड़ा बाकी है। इसी स्टेज में आपको चावल को छान के निकाल लेना है। अब हम चावल की एक लेयर कर देंगे। चावल को अच्छे से फैला के चारों तरफ डाल दें और उसे अब कच्ची से अच्छे से फैला दें। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे देसी घी। यहाँ पे मैं 2 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ऊपर से डालेंगे प्याज, फ्राई की हुई प्याज को पहले से आप पतले पतले स्लाइस में काटिए और तेल में फ्राई करके निकाल के रख लीजिए। और साथ ही साथ ऊपर डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर। इसको डालने के बाद हम ऊपर से फिर एक लेयरिंग करेंगे चावल की। चावल को खोल के फिर से डाल लें। सारे के सारे चावल ऐड कर देने के बाद आप इसे कड़ची से अच्छे से फैला लें और हल्का सा प्रेस कर दें। उसके बाद हम ऊपर से फिर से डालेंगे घी 2 चम्मच और फ्राई किया हुआ प्याज चारों तरफ फैला के इसको अच्छे से डाल देंगे। और ऊपर से डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे ऊपर से ये पानी, जो चावल का पानी है जब चावल हमारा बॉयल होता है, वो पानी मैंने यहाँ पे 1 कप निकाल के रख दिए थे। इसमें गरम मसाले की फ्लेवर इन्फ्यूज़ है। जब हम चावल को दम पे चढ़ाएंगे बिरयानी को, तब वो नीचे से नहीं चिपकेगा, थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें रहेगा। अगर आपको केसर की फ्लेवर पसंद हो तो आप दूध में केसर को भी भिगो के ऊपर से डाल सकते हैं, ताकि जो मॉइस्चर है वो उसमें बना रहे, नीचे से हमारी जो मटन है वो ना जले। अब हम इसको सिल्वर फॉइल से अच्छे से रैप कर देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कोटिंग दी है सिल्वर फॉइल की, और उसको प्रेस करके चारों किनारों से मोड़ के हम अच्छे से इसको सील करेंगे, ताकि इसमें से गैस बाहर ना जाए। और ऊपर से उसका जो ढक्कन है वो हम लगा देंगे। गैस को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे नहीं, धीमे आंच पे चढ़ाएंगे और 5 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दें और उसे अगेन 5 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इस तरह से ढक्कन हटा के देख सकते हैं, बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं और हमारी हांडी बिरयानी बनके तैयार है। मटन हांडी बिरयानी बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए। नमस्कार।